सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 162 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया, जिसके तहत कुल 51,003 लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 29,356 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 21,647 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, नगर निगम, मेडिकल कॉलेज, एम्स सहित सीएससी और पीएससी पर वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक 27,40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 21 लाख से ज्यादा प्रथम डोज तथा 6 लाख से ज्यादा सेकेंड डोज लगाया गया है। सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग सेकेंड डोज में लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं वह तत्काल वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीका लगवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 162 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ हैं, के साथ साथ हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, जिला महिला पुरुष चिकित्सालय, हमारे संक्रामक रोग, हमारे सभी 20 अर्बन पीएससी पर और ग्रामीण पीएससी, सीएससी और सब सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, जनपद में अभी तक कितना वैक्सीनेशन हुआ? अभी तक हमारे जनपद में 27,40,000 से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है, जिसमें से 21 लाख से ज़्यादा पहली डोज है और 6 लाख से ज़्यादा दूसरी डोज दी गई है। सर, जनता से अपील है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, केंद्रों पर आए, वैक्सीनेशन कराएं। देखा जा रहा है कि सेकेंड डोज में लोग थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, करीब 1 लाख से ज़्यादा का सेकेंड डोज ड्यू हो चुका है। जो लोग अभी सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं उनको लगवा लेने चाहिए। तो जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू हो रहा है वो तुरंत अपने सेंटरों पर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं।